नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको लगता है कि दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम कंगारू को हराने में कामयाब रहेगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 11 रनों से करारी शिकस्त देकर इस T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब इस T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 6 दिसंबर से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह T20 मुकाबला दोपहर 1:40 से शुरू हो जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि विराट कोहली और भारतीय टीम इस दूसरे T20 मुकाबले को जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी। वहीं दोस्तों इस दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव तय है, क्योंकि पिछले T20 मुकाबले में भारतीय टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के सर में गेंद लगने की वजह से वह कंकसन का शिकार बने थे, जिसके चलते रविंद्र जडेजा T20 सीरीज से ही बाहर हो चुके हैं। उनकी जगह भारतीय टीम में शार्दुल ठाकुर की वापसी हुई है। शार्दुल ने अब तक इस दौरे पर सिर्फ एक ही वनडे मुकाबला खेला है और उस वनडे मुकाबले में उन्होंने भारतीय टीम की जीत के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उनकी इस दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम में वापसी तय मानी जा रही है। वहीं दोस्तों वनडे सीरीज के बाद अब T20 श्रृंखला में भी खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन इस दूसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनकी जगह बेहतरीन फॉर्म में चल रहे मयंक अग्रवाल को बतौर ओपनर बल्लेबाज खिलाया जाएगा। दोस्तों T20 में मयंक अग्रवाल का फॉर्म अव्वल दर्जे का रहा है, बतौर ओपनर बल्लेबाज तो वह गजब के फॉर्म में चल रहे हैं, जिसके चलते शिखर धवन की जगह उन्हें टीम में शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों गेंदबाजी में पिछले मुकाबले में खराब प्रदर्शन करने वाले दीपक चहर को भी इस दूसरे T20 मुकाबले में आराम दिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारतीय टीम अपनी सबसे बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतारना चाहेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम यह दूसरा T20 मुकाबला भी जीतती है तो वह T20 श्रृंखला जीतकर वनडे श्रृंखला में मिली हार का बदला ऑस्ट्रेलिया से ले सकती है, जिसके चलते भारतीय कप्तान और भारतीय कोच दीपक चहर की जगह T20 के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे T20 के लिए अपनी टीम का हिस्सा बनाना जरूर चाहेंगे। वहीं दोस्तों पिछले मुकाबले में रविंद्र जडेजा की जगह बतौर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के तौर पर दूसरी इनिंग में शामिल किए गए युजवेंद्र चहल ने पिछले मुकाबले में गजब का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें पहले T20 में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। इसी वजह से भारतीय टीम में दूसरे T20 मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की जगह युजवेंद्र चहल को बतौर स्पिन गेंदबाज शामिल किया जा सकता है। दोस्तों इस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी T20 मैचों में कुछ अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते भारतीय टीम के पास ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराने का अच्छा मौका है, क्योंकि वनडे श्रृंखला में मिली बड़ी हार का बदला भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में क्लीन स्वीप करके उठाना चाहेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस तीनों मैचों को जीतकर इस सीरीज जीतने में सफल रहेगी, हाँ या ना? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।